ने घुसपैठिए मुक्त आसाम का आंदोलन छेड़ा था, किसी कारण तक यह परिणाम तक नहीं गया और आज भी 80 लाख घुसपैठिए आसाम में हैं। इसलिए हम फिर से शांत लोकतांत्रिक परंतु घुसपैठिए मुक्त आसाम का अभियान राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा शुरू करने जा रहे हैं। हमारी पहली मांग है कि यही डिस्ट्रिक्ट में शिव मंदिर की ज़मीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने कब्जा किया है, प्रशासन मुक्त करवाए। दूसरी मांग है इसी डिस्ट्रिक्ट में 77,000 बीघा जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा है, वह मुक्त कराए। ये दोनों नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय बजरंग दल यह मुक्त करने की मार्च का ऐलान करेगा। हमारी तीसरी मांग है कि 44 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए गलत डॉक्यूमेंट देकर भारत के नागरिक बने हैं, यह देशद्रोह ट्रेजन है। यह सभी 44 लाख पर ट्रेजन की FIR दर्ज करवा के सभी 44 लाख घुसपैठियों को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाए। और चौथी मांग है सभी 80 लाख घुसपैठियों को ढूंढकर 6 महीने में कंसंट्रेशन कैंप या बांग्लादेश भेजा जाए। वह 4 मांगों को लेकर पूरे आसाम में हम जन जागरण और शांत आंदोलन करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर राम जन्म, असम को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त करना, और जैसे 32 साल तक राम मंदिर नहीं बना, राम मंदिर के लिए खड़े रहे, एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया आसाम की धरती पर रहेंगे उनको खदेड़ने तक हम यह आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे। सीएम को क्या कहना चाहते हैं? सीएम ने जो हमारी मांग है तुरंत पूरी करो, वरना दिल्ली और हरियाणा में हुआ है ना, ये होंगे आपके हाथ में सत्ता नहीं रहेगी। लोगों ने घुसपैठियों को हटाने के लिए आपको शासन दिया है, भाजपा को घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाकर वाहवा करने के लिए शासन नहीं दिया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि बांग्लादेश से आए हुए सभी हिंदुओं को, जैसे कभी 1 करोड़ सिंधियों को भारत के अलग अलग जगह पर बसाकर सरकार ने आर्थिक सहयोग दिया था, ऐसे बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में बसाकर उनके घर के लिए, स्कूल के लिए 10 करोड़ रुपया, 10,000 करोड़ रुपया सरकार उनको दे, ताकि उनको रहने का घर मिले, बच्चों को शिक्षा मिले और वहाँ की फैक्ट्री में रोजगार देने में हम सहयोग करेंगे। यह करके बांग्लादेश से जो हिंदू आए हैं उनको पूरे भारत में बसाकर 10,000 करोड़ का सरकार मदद दे। सरकार ने कश्मीर के मुसलमानों के लिए 70,000 करोड़ भी दिया, तो बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं के लिए 10,000 करोड़ क्यों नहीं देंगे? और इतने पैसे देंगे तो उनको गुजरात में घर मिल जाएगा, राजस्थान में घर मिल जाएगा, उनके बच्चों को स्कूल मिलेगी और फैक्ट्री में रोजगार दिलाने में हम मदद करेंगे। यही मुझे कहना है।